हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सुरक्षित, सेफ, ओके। तो मैंने आपको कौन सा लेसन पढ़ाया था? जननी जन्मभूमि। जन्मभूमि के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया था। उसके चैप्टर्स जो मैंने आपको समझाया था, उसके भावार चैप्टर, वो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। और आज मैं आपको उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। उसकी एक्सरसाइज ये है और उसके क्वेश्चन आंसर ये है। तो स्टूडेंट, आपको उसके जो डिटेल वाले क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगी। पर मैंने आपको बताया था ना कि जो मैं क्वेश्चन आंसर पहले आपको नोटबुक बनानी है, नोटबुक में आपको प्रस्तावना के तौर पे मैं जो लिखाती हूँ, जन्म मृत्यु रचना है वो सब लिखना है, उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद एक्सरसाइज लिख देना है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख देना है, उसके बाद ग्रामर लिख देना है। और डिटेल क्वेश्चन आंसर के लिए आपको जगह छोड़ के रखना है। जब मैथ का चैप्टर पूरा हो जाएगा, जैसे होमवर्क रहेगा, आपको लिख देना है, ओके। जब भी आप स्कूल में आओगे तो मैं आपका होमवर्क आपकी नोटबुक चेक करूंगी कि आप किस तरह से लिखे हो, ओके। तो सबसे पहले आता है कि बुक में है आपका क्वेश्चन नंबर लेसन 7, जननी जन्मभूमि। लेसन 7 है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर के उत्तर लिखिए। क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से सही सही विकल्प में से सही चुनकर उत्तर लिखिए। जो आपकी बुक में पेज नंबर 18 पे है, निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहले मैंने शॉर्ट में लिखा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जननी जन्मभूमि से महान है। जननी जन्मभूमि से महान है। तो आंसर है पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, नर। मैंने जिस दिन आपको चैप्टर समझाया था उस दिन बताया था जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान है। किसके लिए? हमारे लिए। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, नर। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? स्वर्ग। कौन सा आएगा? स्वर्ग। राइट आंसर कौन सा आएगा? स्वर्ग। जननी जन्मभूमि से क्या है? महान है। फर्स्ट नंबर है स्वर्ग, सेकंड नंबर है आकाश, थर्ड नंबर है स्वर्ग और फोर्थ नंबर है नर। तो इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? क नंबर का। कौन सा ऑप्शन सही है? क नंबर का, स्वर्ग। ना दूसरा है भारत का भाल है। भारत का भाल है, भाल यानी मस्तक, भाल यानी मस्तक। तो उस दिन भी मैंने आपको जिस दिन चैप्टर समझाया था उस दिन जो जब मैं समझाया था तो मुझे बताया था कि जो भारत का भाल है वो हिमालय की तरह क्या है? ऊंचा है। क्या है? हिमालय की तरह ऊंचा है। पर इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हिमालय, विंध्याचल, माउंट आबू, गिरनार। तो भारत का जो मस्तक है वो कैसा है? हिमालय की तरह। कैसा है? हिमालय की तरह। तो आपको कौन सा हमारा राइट आंसर हुआ? हिमालय। कौन सा राइट आंसर हुआ? हिमालय। कौन सा हुआ? हिमालय। कौन नंबर का हमारा राइट आंसर है? थर्ड नंबर है, गीता का गान करने वाले कौन थे? तो मैंने आपको जिस दिन चैप्टर समझाया था उस दिन बताया था कि श्री कृष्ण भगवान ने मुरली के मधुर तान से सारे लोगों के हृदय में अपना जो छाप छोड़ गए थे, वहां कहाँ छोड़ गए थे? इसी जन्मभूमि पे। और मैंने आपको ये भी बताया था
उन्होंने इस जन्मभूमि पर गीता का भी क्या की थी, रचना की थी, गीता की भी रचना की थी। तो यहाँ पे क्या है, गीता का गान करने वाले हैं वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कृष्ण। तो हम लोग किसको लिखेंगे बताओ जल्दी, आप लोगों को भी आता है ना, कौन लिखा था गीता का गान करने वाले, कौन थे वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, अर्जुन एवं कृष्ण। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, कृष्ण। क्या हुआ, कृष्ण। तो हम कृष्ण भगवान को क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्या करेंगे, राइट करेंगे। गीता का गान करने वाले हैं कौन है, कृष्ण। कौन है, कृष्ण। अब ये हमारे मिशन क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट नंबर, जननी जन्मभूमि से महान है तो क्या हो गया, स्वर्ग। भारत का भाग है क्या है, हिमालय। गीता का गान करने वाले थे कौन थे इन चारों में से, कृष्ण। अब है निम्नलिखित प्रश्नों में से एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको आंसर पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगी, पर आपको नोटबुक में इसका पूरा आंसर लिखना है। क्वेश्चन है, जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी हुई है। तो उस दिन भी मैंने बताया था कि जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी हुई है, गंगा, यमुना। कौन सी, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना। क्या लिखा मैंने, गंगा, यमुना। पर आपको लिखना है आंसर, ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि जन जन के हृदय में गंगा, यमुना नदियां बसी है। जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी हुई है, जन जन के हृदय में गंगा, यमुना नदियां बसी है। आपको इसका आंसर इस तरह से लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की थी। अभी मैंने बताया था यहाँ पे एमसीक्यू में कि गीता का गान करने वाले कौन थे, तो कौन थे, कृष्ण। गीता का गान करने वाले कौन थे, कृष्ण। अब आपको क्वेश्चन पूछा है कि कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की थी। मैं इसका आंसर शॉर्ट में लेती हूँ, आपको पूरा लिखना है, भ ग व भगवत गीता। आप आंसर में लिखोगे कि श्री कृष्ण भगवान ने या श्री कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी जन्मभूमि भारत के में किन किन नारियों की बात की गई है। क्वेश्चन पूछा है, जन्मभूमि भारत में किन किन नारियों की बात की गई है। तो आप क्या लिखोगे, सीता, सावित्री, अहल्या।
समीकरण क्या है। तो आपको लिखना है कि शांति निकेतन वह वन है जहाँ पर ऋषि मुनि क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में लिखवा देती हूँ कि शांति निकेतन क्या है। क्या है? तपोवन या वन, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तपोवन वन भी लिख सकते हो या तपोवन। आप लिखोगे कि शांति निकेतन क्या है, तो आप लिखोगे शांति निकेतन वह वन है जहां पर ऋषि मुनि बैठ करके क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। आगे क्वेश्चन जननी, निम्नलिखित क्वेश्चन थर्ड नंबर है, निम्नलिखित के समानार्थी लिखिए। आपके बुक में है सिक्स नंबर, कौन सा नंबर है? सिक्स नंबर, कौन सा नंबर है? सिक्स नंबर, ये फर्स्ट नंबर एमसीक्यू, सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर, थर्ड नंबर में है क्वेश्चन आंसर, फोर्थ नंबर में क्वेश्चन आंसर, फाइव नंबर में आपको भावार्थ लिखने का है और सिक्स नंबर में है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए। जननी यानी माता, जननी यानी माता, जननी माने माता, शिला पत्थर, शिला मीन्स पत्थर, गौरव यानी महान या महत्व, ज्योति यानी प्रकाश, यहां पे महत्व भी लिख सकते हो। गौरव यानी महान या महत्व, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। विचरण यानी बीच, विचरना आकाश में, विचरना विचरना। पुनीता, पुनीत यानी पवित्र, पुनीत यानी पवित्र। ये वो आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा मैंने आपको समझा दिया। कृष्ण ने क्वेश्चन आंसर दिया है कि क्वेश्चन आंसर है कि प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी हैं, तो आप आंसर लिखोगे जन जन के हृदय में गंगा यमुना नदियां बसी है। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो आप आंसर लिखोगे कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मभूमि भारत में किन किन नारियों की बात की गई है, तो आप आंसर लिखोगे कि जन्मभूमि भारत में सीता, सावित्री और अहिल्या जैसी नारियों की बात की गई है। शांति निकेतन क्या है, तो आप लिखोगे शांति निकेतन वह वन है जहां पर ऋषि मुनिगण क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। अब है निम्नलिखित के समानार्थी लिखिए, छठा वो है जननी यानी माता, ज्योति यानी प्रकाश, शिला यानी पत्थर, विचरण यानी विचरना, गौरव यानी महान या महत्व, पुनीता यानी पवित्र। यहाँ पे आपका सेवन लेसन हुआ कंप्लीट। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मैं आपको इससे आगे वाला लेसन है एक नंबर का मूर्ति वो आपको कराऊंगी। ये आप अपने नोटबुक में लिखना और अच्छी तरीके से लिखना,
करेक्शन कर सकूं, चेक कर सकूं। ओके, क्वेश्चन आंसर डिटेल वाला मैं आपको होमवर्क पे भेज दूंगी, आप उसको घर पे बैठ के कर लेना। अभी आपको मैंने एमसीक्यूज करा दिया, क्वेश्चन आंसर करा दिया और उससे रिलेटेड जिसके चैप्टर के अंदर आपके जो ये शब्दार्थ है क्वेश्चन करा दिया। ओके, बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम तो देनी भी है किसी भी हाल में, इसलिए पढ़ाई तो करनी ही है। ओके, बाय बाय बच्चों।